और आज जो मैच चल रहा है वो बेहद अहम है। सबसे पहले तो मैं वैभव जो मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है उनसे ये जानना चाहूंगी कि वैभव क्या उम्मीदें आपको लग रही है, क्या ये ड्रॉ भी हो पाएगा? देखिए ड्रॉ के चांसेस तो मेरे हिसाब से इस टेस्ट मैच के होने के काफी ज्यादा हैं। अब देखिए ये जो सेशन अब दूसरा सेशन शुरू होगा आपसे कुछ ही देर में 11:56 हो चुके हैं। अगले अगर मैं कहूँ 20 मिनट में आपको जो दूसरा सेशन है चौथे दिन का वो देखने को मिलेगा, स्टार्ट हो जाएगा। वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए इस समय अगर हम बात करें इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर 241 रन की बढ़त इंग्लैंड को मिल चुकी है, लेकिन वो जो पहली गेंद पर जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आए रोरी बंच जो पहली गेंद पर आउट हुए वहां से इंडियन टीम को एक जरूर मोमेंटम मिला होगा। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की पारी के सिर्फ 2 ओवर की गेंदबाजी हुई और वो जो 1 रन इंग्लैंड ने बनाया वो भी नो बॉल से उनको मिला, तो जो पहली गेंद पर आपको विकेट मिला उससे आप बिल्कुल चार्ज अप हो गए। और हमने देखा किस तरीके से मैदान पर विराट कोहली भी उस विकेट के बाद जो एकदम पूरे उत्साहित नजर आते हैं, जोश में नजर आते हैं, हमें वो नजर आया। तो अभी फिलहाल जो इंग्लैंड की बढ़त है वो 242 रन हो चुकी है। देखिए इंग्लैंड इस समय 2-3 माइंडसेट में होगा। अब इंग्लैंड इस समय माइंडसेट में एक तो ये होगा कि क्या इंग्लैंड को इस मैच को, देखिए जो भी करना है उसे इंग्लैंड को ही करना है, कि क्या इंग्लैंड इस मैच को ड्रॉ करवाना चाहता है, क्या इंग्लैंड इस मैच को जीतना चाहता है। अगर जीतना चाहता है तो उसके लिए आपको कम से कम इंडिया को, मेरे हिसाब से आपको 90 ओवर तो आप जरूर चाहेंगे कि 90 ओवर आप इंडिया को दें बल्लेबाजी करने के लिए। देखिए ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम पहली पारी में, हमने देखा शुरुआत में जो 4 विकेट गिर गए जल्दी, हर बार ऐसा नहीं होगा। और बाद में भी हमने देखा किस तरीके से जो लोअर ऑर्डर था इंडिया का, अश्विन हो, वाशिंगटन सुंदर हो, ऋषभ पंत की मैं बात करूं, वो सब संभल गए। तो अगर सोचिए जो सलामी बल्लेबाज है अगर वो टिक जाएंगे तो फिर जो टेल है कितनी लंबी हो जाती है। तो इंग्लैंड इस समय 2-3 माइंडसेट में रहेगा। अगर इंडिया, इंग्लैंड चाहता है कि इस मैच में वो थोड़ा सा जीत का एक थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करे तो 242 रन इंग्लैंड के हो चुके हैं। इंग्लैंड को ये कोशिश होनी चाहिए कि 400 रन का टारगेट दे इंडिया को, और इंग्लैंड वो जो रन है 3 घंटे में बनाए, जो अगला सेशन आप खेलेंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड को तेजी के साथ रन, इंग्लैंड को तेजी से रन बनाने होंगे, 3 घंटे इंग्लैंड के पास रहेंगे। अगला जो सेशन है शुरू होने वाला वो पूरा सेशन होगा, और फिर जो दिन का तीसरा सेशन होगा उसमें भी 1.25 घंटा अगर इंग्लैंड बैटिंग करता है तो इंग्लैंड 400 रन तक पहुंच सकता है। फिर इंग्लैंड को एक चांस लेना होगा कि देखिए आप इंडिया को आज चौथे दिन 1 घंटा बल्लेबाजी करवाएं, और फिर जो कल का दिन है वो पूरा इंडिया को आप दें, कि या तो आप इंडिया को ऑल आउट कर दें या तो फिर इंडिया को एक दें कि इंडिया 400 रन बना ले। तो इंग्लैंड बहुत इस समय परेशानी, मतलब आप ये कह रहे हैं वैभव कि आज क्योंकि चौथा दिन है और कल आखिरी 5वां दिन होगा तो इंग्लैंड के ऊपर अभी प्रेशर आ गया। ये प्रेशर आपके पास इसलिए आ गया क्योंकि अब आपको इस समय क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या करना है। देखिए या तो इंग्लैंड ये भी कर सकता था, जब आप 241 रन आ गए थे तो आप फॉलो ऑन दे देते, इंडियन टीम दोबारा आती बैटिंग करने के लिए। देखिए 241 रन आप ऊपर थे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि ठीक है मेरे पे इतने सारे रन है, हम फॉलो ऑन देते हैं, उनको दोबारा ऑल आउट कर देंगे। और मान लीजिए अगर इंडिया आपको ऊपर 100-150 रन भी अगर फिर बना देती ऊपर तो आप उनको चौथी पारी में आके बनाते। तो जो इंग्लैंड की अप्रोच थी वो मुझे थोड़ी सी डिफेंसिव नजर आई। अगर इंग्लैंड को थोड़ा सा और पॉजिटिव अप्रोच दिखानी थी तो इंग्लैंड ये भी कर सकता था कि आप जॉस बटलर से आप ओपनिंग करवा सकते थे, आप बेन स्टोक्स को ऊपर भेज सकते थे, क्योंकि जिससे आप एक जो विरोधी टीम थी उनको बता दें कि देखिए अब हम जा रहे हैं तेजी से रन बनाने के लिए जा रहे हैं और अब हम आपको टारगेट देने वाले हैं। तो वो अप्रोच भी इंग्लैंड की मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी। मेरा एक और सवाल वैभव आपसे, अब इंग्लैंड के लिए चुनौती ये है कि आज का पूरा दिन डटे रहे, टिके रहे, लेकिन टीम इंडिया क्या इंग्लैंड को आज ऑल आउट कर पाएगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए पिच की अगर मैं बात करूं, पिच में जो गेंद टर्न हो रही है वो हमें देखने को मिल रही है, बाउंस बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जो टर्न हो रही है वो गेंद आपको देखने को मिल गई है। इसमें आर अश्विन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो शहबाज नदीम ने जो दूसरा ओवर करवाया वहां पर उनकी जो गेंदबाजी थी बहुत अच्छी मुझे देखने को मिली, उनको भी टर्न मिला। तो अब यहाँ से आपके जो स्पिनर है वो काफी ज्यादा रोल में आ सकते हैं, मतलब आ सकते हैं क्या, आ चुके हैं। जो स्पिनर्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो तीसरे स्पिनर है वाशिंगटन सुंदर, इन तीनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वाशिंगटन सुंदर की भी तो तारीफ करनी होगी, रन भी बहुत बना, कितने रन बना गए, मतलब अगर उनके साथ अगर ईशान शर्मा जसप्रीत बुमराह थोड़ी देर टिक जाते तो उन बेचारे की शतक पूरा हो जाता, बिल्कुल। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे, डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे कि वो जो शतक था उस वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इंडियन टीम को उन्होंने हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से इंडियन टीम अब थोड़ी सी नहीं, जीतना तो अभी मुश्किल है, बैकफुट पर नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए वो 85 रन नहीं बनाते वाशिंगटन सुंदर, अगर वो जल्दी आउट होते तो फिर ये क्लैरिटी, मतलब वो शॉर्ट शॉट होता कि इंडियन टीम इस मैच को बहुत आसानी से हार सकती थी। देखिए फिर जो इंग्लैंड की बढ़त होती वो 350 रन की बढ़त होती, तो फिर इंग्लैंड आपको बहुत आसानी से फॉलो ऑन दे देता। तो काफी कुछ किया वाशिंगटन सुंदर ने, आपको एक थोड़ी सी
हम कह सकते हैं एक अच्छी स्थिति में लाया, मजबूत स्थिति तो नहीं। वैसे हमें टीम इंडिया की परफॉर्मेंस नहीं भूलनी चाहिए, मेरे ख्याल से तीसरा मैच का हुआ था सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ, सिडनी में होता जिसमें ब्रिस्बेन ने ऋषभ पंत रन बनाया था, किस तरीके से उन्होंने पूरा गेम पलट दिया था। हालांकि अभी एक छोर गेम का इंग्लैंड के पास है, अगर वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ज्यादा रनों का पहाड़ स्कोर पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देते हैं तो शायद भारत के लिए मुश्किल होगी, लेकिन अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज दबाव में आ जाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं, तो फिर ये इंडिया के लिए एक प्लस फैक्टर होगा। देखिए मतलब अभी भी इंग्लैंड 240 रन आगे है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर बुरा भी इंग्लैंड करेगी तो 100-150 रन तो बनाएंगे, कम से कम बनाएंगे। अगर आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि इंग्लैंड जिस तरीके से एडिलेड में हम 36 रन पे ऑल आउट हो गए थे हमारी दूसरी पारी में, वैसे इंग्लैंड नहीं होगा। हाँ, नहीं, मैं आपसे पूछ रही होगा या मुश्किल है, वैसा 36 रन पे ऑल आउट होना मुश्किल है, 50 पे भी मुश्किल है। इंग्लैंड जितना भी मतलब जितने भी आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे, इंग्लैंड कम से कम 150 रन तक बनाने में सक्षम है, वो इतने रन बनाएगा क्योंकि उनका भी जो टेल है वो थोड़ा सा लंबा, और हमने देखा किस तरीके से जो इंग्लैंड का टेल था आपको पहली इनिंग में भी उन्होंने थोड़ा परेशान किया आपको, तो इंग्लैंड अपने रन बनाएगा। 150 रन तो आपके मान के चलिए कि 400 रन अगर आपको बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं फिर भी आपको आखिरी पारी में 400 रन ही तो कम से कम मिलने वाले हैं, तो एक अच्छा सेशन रहने वाला है इस मतलब टेस्ट मैच का हम कह सकते हैं। ये जो सेशन रहने वाला है ये इस टेस्ट मैच को मेरे हिसाब से अब तक का डिफाइनिंग मोमेंट होगा इस टेस्ट मैच का, कि इस सेशन में इंडिया के जो गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, क्या आप शुरुआत एक विकेट आपको मिल चुका, क्या आप तेजी से 2-3 विकेट और लेते हैं, अगर आपने ले लिया इंग्लैंड को, आपने जो रूट को अगर आपने आउट कर दिया, फिर अगर मैं बात करूं सिबलिंग को आपने आउट कर दिया वहां से आपके, फिर अगर बेन स्टोक्स आते हैं उनको आपने जल्दी से 3-4 विकेट ले, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड के की प्लेयर्स हैं अगर आपने उनका विकेट गिरा दिया तो आपके लिए सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो सकती है, बहुत बेहतर हो जाएगी अगर आपने इंग्लैंड के तीन विकेट मेरे हिसाब से अगर आपको सिबली का मिल जाए, जो रूट का मिल जाए, बेन स्टोक्स का, अगर इन तीनों का आपको विकेट मिल गया तो इंडिया का जो हम कह सकते हैं थोड़ी सी इंडिया एक थोड़े से कंफर्टेबल जोन में आ सकती है, और वहां से फिर इंडिया को लगने लगा कि देखिए अभी हम क्या पता शायद 350 तक रोक दें इंग्लैंड को, क्या 450 तक अगर हम रोक दें, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी के बारे में आपको पता चला है? देखिए ये तो मेरे को उसके लिए अंदर की खबर आपके पास रहती है, इसके लिए चेन्नई में जाना पड़ेगा, और इस समय जो खिलाड़ी हैं जितने भी सब बायो बबल में है तो, और मैच के दौरान फोन पर बातचीत भी होना मुश्किल है, तो इंडिया के लिए तो कंफर्टेबल पोजीशन यही रहेगी कि अगले 100-150 रन के अंदर आप इंग्लैंड को ऑल आउट करें, और अगर फिर एक बार इंग्लैंड अगर टिक गया तो फिर इंग्लैंड की कोशिश, इंग्लैंड भी आपको कोशिश करेगा 450 तक कंफर्टेबल कर, नहीं इंग्लैंड अगर आपको टारगेट भी देखेगा तो वो 450 से कम का टारगेट नहीं देगा, मुझे भी यही लगता क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने इंडिया को 400 रन का टारगेट दिया और ऋषभ पंत थोड़े से मतलब हो सकते हैं उनके एक बार फिर वही चमत्कार दिख गया, रोहित शर्मा टिक गए, तो फिर वो इंग्लैंड हम तो चाहिए कि ना सिर्फ ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा, वॉशिंगटन सुंदर चमत्कार दिखाएं, बाकी जो हमारे खिलाड़ी हैं शुभमन गिल, रोहित शर्मा, उसके अलावा सब बल्लेबाजी करें, हम सबसे चमत्कार की उम्मीद और कोई अगर जो दर्शक हमें देख रहे हैं, काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहें आपका कोई सवाल है तो आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जोशना है जवाब देने के लिए, मैं हूं यहां जवाब देने के लिए, तो आप भी जुड़ सकते हैं, इंडिया टीवी स्पोर्ट्स पेज आप देख रहे हैं वहां पे पूरी तरीके से जो हमारी डिस्कशन है वो लाइव चल रही है, तो आपके अगर सवाल हो तो आप लगातार हमें भेजें, हम उनका जवाब देंगे, ताकि जिससे क्या होता है, देखिए हम ये जो माध्यम है जुड़ने का इसलिए है ना, बिल्कुल, कि हम फैन से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, फैन भी जितने भी जो दर्शक है क्रिकेट के हम उनसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, जब तक दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं आप भरकर सवाल भेजिए हमें, हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब हम दोनों दें। तब तक मेरा एक सवाल है वैभव आपसे, जिस तरीके से टेस्ट मैच होता है बड़ा लंबा फॉर्मेट है, 5 दिन पूरा मैच चलता है, आज 4th दिन है, तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप बहुत कीनली क्रिकेट को मॉनिटर करते हैं, हम लोग तो कई बार बुलेटिन में बिजी होते हैं बट आप एक बॉल भी मिस नहीं करते, तो ऐसे में क्या सेकेंड इनिंग तक आके बहुत एग्जॉस्टिंग सिचुएशन हो जाती है टीम के लिए, खासकर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो लंबा इंग्लैंड के लिए तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ टायरिंग होगा, क्योंकि इंडियन गेंदबाज थे उन्होंने 2.5 दिन का या 2.15 डे गेंदबाजी इंडिया ने की है। इंग्लैंड देखिए कब कल आए थे गेंदबाजी करने के लिए, और आज सुबह उनका जो कह सकते हैं सेशन के खत्म होने से पहले ही फिर दोबारा बल्लेबाजी आ गई, तो उनके जो फील्डर्स थे वो सिर्फ 1 दिन मैदान पे थे, आप 2 दिन से ज्यादा मैदान पे थे, तो इंडियन टीम इस समय जरूर हम कह सकते हैं थोड़ी टायर्ड थी उनके जो मतलब हम कह सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी आए फिर बल्लेबाजी करने के लिए, तो टायर्डनेस इंग्लैंड के खिलाड़ियों में तो मुझे लगता बहुत ज्यादा रहे, लेकिन हाँ मुझे गर्मी का इफेक्ट है, चेन्नई में गर्मी ठीक ठाक पड़ती है और ठीक ठाक गर्मी पड़ भी रही है, तो वो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो तो आदी होते हैं इस गर्मी को झेलने के लिए, विराट कोहली हो रोहित तो वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता हो सकता है, कि इंग्लैंड के जो हमें पता है कि वहाँ की जो कंडीशन होती है ठंडी कंडीशन, ये जो मुश्किलात हैं गर्मियों गर्मी वाले इंग्लैंड के लिए, क्या ये टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? बिल्कुल फायदेमंद हो सकता है, सेकंड इनिंग में बिल्कुल फायदेमंद हो सकता है, कि देखिए आप
इतनी देर आपको मैदान पे रहना ही है ना, और आप उस चीज के आप आदि नहीं होते, तो अब मुश्किल जरूर हो सकता है। और जो मैं आपको बताऊं, मैंने आज एक बड़ी अच्छी तस्वीर देखी, जब इंडिया के जब इंग्लैंड के खिलाड़ी हम कह सकते हैं अपनी जो दूसरी इनिंग स्टार्ट कर रहे थे, उससे पहले हम हमेशा हडल देखते हैं, इंडियन टीम का हडल होता है। मुझे जो आज सबसे अच्छी चीज देखने को मिली, शायद मेरे हिसाब से तो मैंने पहली बार देखा होगा, जब हडल में विराट कोहली जब बात कर रहे थे, विराट कोहली के साथ कौन खड़े थे? आप गैस करिए। मैं बुलेटिन में गैस तो वही थोड़ा सा एक, आप टीम इंडिया के रोहित शर्मा। बिल्कुल, आज मैंने पहली बार विराट कोहली और रोहित शर्मा को उस हडल में एक साथ खड़े होते हुए देखा। इससे पहले भी शायद रहे होंगे, लेकिन मेरी जो नजर है बहुत गौर से पड़ी, और रोहित शर्मा का जो लेफ्ट हैंड था वो विराट कोहली के कंधों पे था। बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी तस्वीर देखने को मिली है, और वो स्पोर्ट्समैनशिप क्रिकेट और जितने भी गेम्स होते हैं उसमें दिखनी चाहिए। बहरहाल मेरा एक सवाल है, मेरा कि हमारे एक दर्शक का सवाल है, सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये है आशीष द्विवेदी, वैभव ये पूछ रहे हैं कि अगर इस सेशन में इंग्लैंड आउट हो जाए तो इंडिया जीत सकती है क्या? ये वही मेरा वाला सवाल, मतलब ये पूछना चाह रहे कि इस सेशन में अगर इंग्लैंड ऑल आउट है, पहले ये बताइए क्या इस सेशन में ऑल आउट नहीं, 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 इस सेशन में इंग्लैंड का ऑल आउट होना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो आशीष द्विवेदी जी को मैं बता दूं, देखिए आप कोशिश ये जरूर होनी चाहिए कि एक आप रन कम दें और इस सेशन में आप कम से कम 3 से 4 विकेट लें, क्योंकि इंग्लैंड के पास इस समय अच्छी खासी रनों की बढ़त है। अगर आपने इस सेशन में 70-80 रन दे दिए या 90 रन दे दिए, तो फिर इंग्लैंड की जो बढ़त है वो धीरे धीरे 350 तक पहुंच जाएगी, जो आप नहीं चाहेंगे। तो आपको सिर्फ विकेट ही नहीं लेनी, आपको रनों को भी रोकना है, क्योंकि रन अगर रुकेंगे और फिर मान लीजिए आप तीसरे सेशन तक इंग्लैंड को आउट करने में सफल होते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं एक आउटसाइड चांस बनेगा आपका जीतने का इस मैच को। वैभव जैसा कि हम कह भी रहे थे कि टीम इंडिया की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इंग्लैंड को तेजी से रन बनाने ना दे, क्योंकि इंग्लैंड भी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरेगा ना, कि अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ प्लानिंग होगी। इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी तो ये रहेगी कि आज तेजी से रन बनाएं, मतलब आज का जो अगला सेशन स्टार्ट हो रहा है जो दिन का आखिरी सेशन है उसके आखिरी घंटे तक के में आप शायद इंडिया को सोचेंगे देने के लिए, लेकिन पहले इंग्लैंड इस माइंडसेट में जरूर होगा कि मुझे 400 और 450 कम से कम इंग्लैंड चाह रहा होगा। देखिए 450 रन बनाए, मुझे तो लग रहा है अब जिस तरीके से मैं देखा, स्कोर कार्ड भी देखा और थोड़ी सी मैं एनालिसिस में अगर जाऊं तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड आज डिक्लेयर नहीं करेगा। अच्छा। अगर इंग्लैंड आज दोनों सेशन खेल लेता है तो इंग्लैंड ये जरूर चाहेगा आज वो आराम से पूरा दिन खेले, कल फिर आप इंडिया को न्योता दे बल्लेबाजी करने का। और अगर इंग्लैंड चाहता है कि ठीक है जीतने के लिए इंग्लैंड चाहता है, तो इंग्लैंड ये करे अगले 2 सेशन में, अगले ये जो अब सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें इंग्लैंड बनाए 125-150 रन, और फिर जो अगला सेशन होगा उसके 1.25-1.5 घंटे में भी इंग्लैंड बना दे 100 रन। तो अगर इंग्लैंड को जीतना है तो इंग्लैंड की इंग्लैंड तभी जीतेगा जब भारत ज्यादा ओवर आप उनको देंगे खेलने के लिए, लूज बॉल्स देंगे ना, नहीं ज्यादा आप ओवर देंगे उन्हें खेलने के लिए, कि 90 ओवर कल के होंगे, आज के 10 ओवर अगर आप दे दें, आज के 15 ओवर दे दें, तो 100 ओवर इंडिया को बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन वो तब होगा जब इंग्लैंड एक कंफर्टेबल पोजीशन में आएगा, और वो कंफर्टेबल पोजीशन है 450 रन, जिसको बनाने के लिए इंग्लैंड को अभी 210 रन और चाहिए। 210 रन मुश्किल होता है 2 सेशन में भी बनाना, लेकिन इंग्लैंड को 1.5 सेशन में बनाना। एक सिचुएशन को वो करते हैं, हम अज्यूम करते हैं, फॉर सपोज आज पूरा दिन अगर इंग्लैंड खेल लेती है तो आपको क्या लगता है कि आज पूरे दिन में कितने रन वो बना सकती है? देखिए अगर इंग्लैंड अनुभव से देखिए, अगर इंग्लैंड आज पूरा दिन बल्लेबाजी की, अगले 2 सेशन इंग्लैंड खेली और जिस माइंडसेट के साथ नीचे फिर जो आपके बटलर ने आना है, स्टोक्स ने आना है, रूट अच्छे फॉर्म में, तो मुझे लग रहा है इंग्लैंड के लिए देखिए 250 रन बनाना 2 सेशन में दिक्कत वाली बात नहीं है। 450 रन नहीं, 240 की बढ़त है उनके पास, 500 के आसपास पहुंच जाएंगे। अगर आज उन्होंने पूरी बल्लेबाजी की और अच्छी जिस एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की, और वो करनी भी चाहिए, तो आप 475 की मैं बात करूं, 480 के आसपास बात करूं, ये आंकड़ा लेते हैं। अगर आज का दिन खत्म होने तक टीम इंग्लैंड इतने रन बना लेती है तो 2 परिस्थितियों में और आपको फर्ज करवा रही हूं, सिर्फ 1 परिस्थिति होगी नहीं 2 परिस्थितियां होंगी उसमें, या तो मैच ड्रॉ होगा या फिर इंग्लैंड ये मैच जीतेगी। इसके अलावा अगर कल इंग्लैंड डिक्लेयर कर देती है, कल 5वें दिन टीम इंडिया खेलने आती है, तो क्या इतने रन टीम इंडिया 3 सेशन में बना पाएगी? 475 रन नहीं बनेंगे 3 सेशन में, आप वो फिर उसके लिए आपको रोहित शर्मा को कह सकते हो कि जो 50 ओवर में 2 रन शतक बनाते हैं, 50 ओवर में 264 रन बनाते हैं, और वो लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट में नहीं होता है। देखिए हम हमेशा बात करते हैं ऋषभ पंत की इनिंग्स, हम हमेशा देखते हैं कि रन बॉल इनिंग्स रहती हैं, वो उस तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये इंडिया में है, चेन्नई की विकेट है, 5वें दिन का खेल होगा, गेंद काफी ज्यादा टर्न करेगी, तो वो फिर अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, 1-2 शॉट गलत लगेंगे फिर आप आउट हो जाते हैं। मतलब अब ऐसा है कि ये वाला सेशन जो दूसरा सेशन है उसके खत्म होने तक हमें एक मोटी मोटी तस्वीर समझ आ जाएगी कि दूसरा सेशन वाला बहुत क्रूशियल है। अगर इंग्लैंड का जो स्कोर होता है, मान लीजिए इंग्लैंड
60 रन भी जोड़ता है, 300 तक होता है, अगर इंग्लैंड के 5 आउट हो जाते हैं, 4 आउट हो जाते हैं, तो फिर वहां से आप ये मान के चले कि इंडिया एक अच्छी पोजीशन में धीरे-धीरे दूसरे सेशन में अगर इंडिया 3 विकेट और निकाल लेती है, फर्ज कीजिए तीसरे सेशन में 4 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड खेल रही है, तो भी हमारे लिए एक बेटर सिचुएशन। हाँ, लेकिन आपने फिर रन भी ज्यादा नहीं देने, आपने ये सोचना, फिर आप कोशिश ये कीजिए आज इंग्लैंड टाइट बॉलिंग करानी, आपको टाइट गेंदबाजी करनी है, ज्यादा रन लीक नहीं करना। देखिए, हम सिर्फ परिस्थितियां फर्ज ही कर सकते हैं, इमेजिन ही कर सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं। बहरहाल, जो बाकी गेम किस तरीके से चलेगा वो तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, गेंदें बढ़ेंगी, ज्यादा गेंदें इंग्लैंड के बल्लेबाज खेलेंगे, उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा। लेकिन एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहती हूँ कि फर्स्ट सेशन में अगर हम टीम इंडिया के की प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करें, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस ने आपको डिसअपॉइंट किया? हाँ, मेरे को बिल्कुल। अगर मैं आप जो आज के पहला सेशन की बात कर रही है ना, देखिए आज के मेरे को टीम इंडिया के, हाँ, जो भारतीय के, सबसे पहले तो मैं आर अश्विन की बात करना चाहूंगा। हाँ, देखिए आर अश्विन आपके इस समय नंबर वन स्पिनर है, और आप हमेशा से बात करते हैं कि आर अश्विन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। देखिये, वॉशिंगटन सुंदर एक युवा बल्लेबाज आकर अपने मतलब इनिशियल दौर में ही 85 रन बनाए थे, तो आर अश्विन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिल्कुल नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आर अश्विन थोड़ा सा और समझदारी से बैटिंग करेंगे, वो बैटिंग करते हैं, उनके शतक भी हैं, तो वो ज्यादा रन बनाएंगे। और कल भी मैं सुन रहा था, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कुलदीप यादव की जगह शहबाज नदीम को भी इसलिए शायद खिलाया गया कि उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, तो आपने देखी 12 गेंदों पर 0 पे आउट हो गए, अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की काफी ज्यादा। उसके बाद ईशान शर्मा और जसप्रीत बुमराह को भी अब थोड़ा सा क्रीज पे रुकने, ईशान शर्मा इससे पहले भी कई बार रुके हैं, बुमराह भी रुके हैं, अगर ये थोड़ी देर और रुकते, अगर आप थोड़े से और रन बनाते 30-40-50 रन आप और जोड़ते, तो फिर आपको वो पांचवी इनिंग में, जब चौथी इनिंग में जब आप आएंगे, तो वो आपको रन भी कम बनाने पड़ते हैं और आपको गेंदे भी कम खेलने पड़ती। थोड़ा सा आज मेरे को वॉशिंगटन सुंदर को छोड़ के अश्विन ने डिसअपॉइंट किया, नदीम ने डिसअपॉइंट किया, ईशान शर्मा और जसप्रीत बुमराह इन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इनसे मैं थोड़ी सी और अच्छी बल्लेबाजी देखता। अच्छा, मैं अगर इंग्लैंड के बॉलर्स की प्लेयर्स की बात करूं, तो जोफ्रा आर्चर जो हमेशा मतलब आईपीएल में भी हमारी जबान पे ही थे, बिल्कुल, इस बार भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। देखिए, जोफ्रा आर्चर ने तो कल ही आपके जो मतलब मैं कह सकता हूँ, जो आप इस समय बैकफुट पर हैं, बल्लेबाजी छोड़ दीजिए गेंदबाज, मतलब जब आप बल्लेबाजी करने हैं तो बैकफुट पे जोफ्रा आर्चर की वजह से ही है। शुभमन गिल और रोहित शर्मा जो आपके दो ओपनर थे, उनका क्रूशियल विकेट, देखिए ऐसी विकेट पे जोफ्रा आर्चर की वो गेंद ही रोहित शर्मा को आउट कर सकती थी, कि जिस तरीके से एकदम से शार्प बाउंस हुई, मतलब रोहित शर्मा को समझ नहीं आया कि कहाँ खेले, तो ऐसी जो गेंदबाजी है वो तेज स्पीड के साथ, अच्छे उछाल के साथ जोफ्रा आर्चर ही डाल सकते थे, क्योंकि हमने देखा इस विकेट पे गेंद ज्यादा बाउंस हो नहीं रही, तो जोफ्रा आर्चर है मतलब तेज गति से करते हैं। एक खिलाड़ी और है, मैं क्योंकि ये स्कोर कार्ड खुला हुआ है, बेस ने इतने महत्वपूर्ण विकेट लिए नहीं, आपने उनको महत्वपूर्ण विकेट दिए हैं। एक विराट कोहली वाली जो गेंद थी वो मैं जरूर मानता हूँ कि ठीक है, एक मतलब कह सकते हैं वो आउट हुए विराट कोहली जिस गेंद पर, उसके अलावा जिनके रहने ने विकेट दिया, चेतेश्वर पुजारा बड़े अनफॉर्चुनेट रहे, उन्होंने शॉट खेला, शॉर्ट लेग पे जो फील्डर खड़े थे उनकी पीठ पे गेंद लगी और जाके पीछे फील्डर खड़े थे, उन्होंने कैच कर ली, तो वो तो काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट थे। और ऋषभ पंत तो देखिए, ऋषभ पंत तो फिर अपनी वो नेचुरल गेम खेलते हैं ना, तो उसमें कोई बहुत अच्छी गेंदबाजी तो थी नहीं, नेचुरल गेम में उन्होंने जिस तरीके से 91 रन नेचुरल गेम खेलते हुए बनाए, उसी तरीके से वो, मतलब आप ये कह रहे हैं डॉम बेस कल टीम इंग्लैंड के लिए लकी साबित, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, अच्छी गेंदबाजी की, उनको थोड़ी सी टर्न भी मिली, उन्होंने एक अच्छी लाइन पकड़ के रखी, बहुत ही हम कह सकते हैं पेशेंटली उन्होंने गेंदबाजी की, और अब यहाँ पे इंग्लैंड की पारी शुरू हो गई, तो हमें मैच देखना चाहिए। बिल्कुल, 5 रन भी हो चुके हैं और लगातार जैसे मुझे लगता है ये सेशन खत्म होगा, सेशन 2 के बाद फिर हम आपसे मुखातिब होंगे और वैभव से फिर बहुत सारे सवाल पूछेंगे, क्योंकि वैभव को ग्रिल करने में और उनसे सवालों के जवाब जानने में मुझे बहुत मजा आता है और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आता होगा। बहरहाल, आप लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, आपका बहुत शुक्रिया।